दरअसल मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त हमारा सफ़र जो है वो शुरू होने लगा है सर सैयद एक्सप्रेस। जी हाँ, सर सैयद एक्सप्रेस से जो है वो कराची के लिए। सर सैयद एक्सप्रेस जो है बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है और इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, लेकिन मकसद ये है इस ट्रैवल का कि जो पाकिस्तान रेलवे ने जो अभी लेटेस्ट ट्रेन्स जो है वो इंडक्ट की हैं अपने सिस्टम में और जिस तरह की लग्जरी सर्विसेज पाकिस्तान रेलवे दे रहा है उसको जो है वो लोगों को दिखाना, ताकि लोग जो है वो ट्रेन को प्रेफर करें। बहुत सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो ट्रैवल होता है। अब अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंतहाई मज़े से जो है वो सफ़र करते हैं। लगता है कि ट्रेन चलने लगी है, उसने अपनी विसल दे दी है और अनकरीब जो है वो हम यहाँ से रवाना होंगे। हमारा जो टाइम है यहाँ से डिपार्चर का वो 1:30 यानी कि 1:30 है और ये हैदराबाद पहुँचेगी सुबह 9:00। बेसिकली तो हमारी डेस्टिनेशन हैदराबाद ही है, क्योंकि हमने वहाँ से आगे थर जाना है और हैदराबाद से थर जो है वो नज़दीक है। तो अभी शॉर्टली हम यहाँ से जो है अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन सिस्टम है ये कैसा है। हमारे साथ रहिएगा। ये इसका इंटीरियर है, जैसे आप देख सकते हैं कि बड़ा लेविश किस्म का इंटीरियर है। जो मुसाफिर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ पे जो है वो मिनरल वाटर और डिस्पेंसर भी अवेलेबल है। और ये जनाब हमारे जो हैं वो परस्तादे, हमारे जो हैं वो कलीग्स जो अपनी अपनी नशिस्तों पे विराजमान है। अभी शक्लें की नज़र नहीं आ रही क्योंकि लाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि बाहर मौसम अब्र आलूद है। तो फिलहाल आप इनकी शक्लें देखने से कासिर हैं, वैसे भी ये शक्लें देखने वाली नहीं। मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। वैसे तो ट्रेन का सफर हमेशा से ही खूबसूरत रहा है, लेकिन रावलपिंडी से जेलम तक का जो ट्रैक है इसकी खास बात यह है कि आप खित्ते पोठोहार के खूबसूरत तरीन लैंडस्केप से गुजरते हैं। ये सरसब्ज शादाब पहाड़ी इलाका हम वक्त आपको खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर किए रखता है, और ऐसे में अगर बारिश भी हो रही हो तो सफर में एक रोमांटिक टच भी आ जाता है। पाकिस्तान रेलवे ने गुजरते वक्त के साथ साथ जहां सफरी सहूलियात को बेहतर बनाया, वहां सफाई सुथराई के इंतजाम का भी खास ख्याल रखा जाता है। इस वक्त हम वजीराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त 4:00 हैं, यानी कि 1:30 पे हम रावलपिंडी से रवाना हुए और इस वक्त जो है वो 4:00 हैं और हमारा सफ़र जो है वो हैदराबाद की जानिब रवा दवा है। वज़ीराबाद में ये इसका स्टॉप जो है ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 2 मिनट का जो है वो स्टॉप होता है। इस 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो जो भी सवारियाँ हैं उनको ट्रेन पर सवार होना होता है। गुज़िश्ता दौर में हम देखते आए हैं कि ट्रेन में चीज़ें बेचने वालों की बहुतात होती थी, जैसे चिप्स, चाय, बोतलें वगैरह बेचने वाले हर वक्त मुसाफिरों के सरों पर मंडलाते रहते थे। लेकिन अब रेलवे इंतजामिया की जानिब से बाकायदा मंजूर शुदा खांचा फरोशी खूबसूरत सी डिज़ाइन करदा ट्रॉली के जरिए दौरान सफ़र लोगों को रिफ्रेशमेंट की अशिया बेचते नजर आते हैं। व्यूवर्स, ये ट्रेन की डाइनिंग कार है और ये किसी भी मयारी होटल की डाइनिंग लाउंज से कम नहीं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका इंटीरियर है और बहुत ही साफ सुथरा एनवायरनमेंट। ये काउंटर है जहां पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं अगर आपको खाना अपने केबिन में मंगवाना है, और या फिर आप इन टेबल से वेटर्स को ऑर्डर करते हैं और आपकी चॉइस के मुताबिक खाना, रिफ्रेशमेंट या चाय वगैरह आपको मुहैया कर दी जाती है। ये ट्रेन के डाइनिंग कार का किचन है, एक ट्रेडिशनल किचन जहां पर खाना तैयार किया जाता है। ये रेफ्रिजरेटर है जो कुकिंग के लिए रॉ मटेरियल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को स्टोर करने के काम आता है।
अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी की तरफ से आपको ये सईद भाई, आप ये बताएंगे कि ये जो सैंडविचेज, ये जो रिफ्रेशमेंट आप दे रहे हैं, ये इसके क्या कुछ चार्जेस हैं या क्या है ये? ये गाड़ी की तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है जी सर, इसकी पेमेंट आपने की हुई है हर चीज़ की। ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये सैंडविचेज, ये रिफ्रेशमेंट जो अभी ये हमारे जो होस्ट हैं सईद भाई, इन्होंने हमें ला के दिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसी तरह से इन्होंने हमें बताया कि डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री है और ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इस ट्रेन में मिल सकती हैं। जब आप इसमें सफ़र करते हैं तो आपका जो बिल होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें एडिड होती हैं। यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको जो है वो ना सिर्फ ये कि फ्रेश बल्कि हाइजेनिक फूड और जो है वो बिल्कुल इंस्टेंटली कुक फूड आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये है जनाब हमारी शाम की चाय, अल मशहूर तावीज़ वाली चाय। शाम के इस वक्त पंजाब के सरसब्ज़ शादाब खेत हमारे पसे मंजर में हैं। क्या हसीन सीनरी है जिसको हम अपनी ट्रेन की खिड़की से देख सकते हैं, और फिर साथ साथ चाय की चुस्कियाँ भी हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और हाँ, इस ट्रेन में वाईफाई भी अवेलेबल है, तो लोग अपनी स्टोरियाँ और सफ़र की रुदाद सोशल मीडिया पर भी अपडेट करते रहते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों बहार की आमद आमद है, और बालाई पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में बारिशें हो रही हैं, इसीलिए पंजाब का लैंडस्केप लश ग्रीन है। लहलहाती गंदम की फसल, खुदरू पौधे और हरी भरी घास इस मंजर को और भी खुशनुमा बना देते हैं। हम तकरीबन 7:30 बजे फैसलाबाद जंक्शन पहुंचे। फैसलाबाद जंक्शन पर सर सैयद एक्सप्रेस का स्टॉप तकरीबन 25 मिनट का होता है। पूरी ट्रेन को एक दफ़ा चेक किया जाता है, ज़रूरी सामान मुहैया किया जाता है, ट्रेन में पानी डाला जाता है, और इसके अलावा खाना भी मुहैया किया जाता है। नाम क्या भैया आपका? वसीम सर। वसीम भाई, क्या आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं यहाँ पे? हमारी जिम्मेदारी है कॉम्प्लीमेंट देना मुसाफिर को सर। कॉम्प्लीमेंट देना? हाँ जी सर। किस तरह का कॉम्प्लीमेंट देते हैं सर? अच्छा खाना आता है पककर, यहाँ से पका पकाया। अच्छा, खाने में क्या है, मेन्यू क्या होता है? सर चिकन बिरयानी होती है सर, उसमें पीस होता है, शामी कबाब होता है सर, जूस होता है नेस्ले का सर, रायता होता है सर, स्वीट होती है सर। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, माइक्रोवेव है आपके पास? हाँ जी, माइक्रो सर। नहीं जी, देखें माइक्रोवेव भी है इनके पास, ये गर्म भी कर सकते हैं, और अगर कोई मुसाफिर जो है वो अपने साथ खाना कैरी करता है तो उसको भी आप ये सहूलत देते हैं। हाँ जी सर। कि वो इस माइक्रोवेव में ला के अपना खाना गर्म कर सकता है, तो इस तरह से आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप अपने साथ खाना लाते हैं। और यही बात जो है वो हमारे ये बटलर साहब जो है वो फरमा रहे हैं। व्यूअर्स, हम इस वक्त सर सैयद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में खाने के लिए मौजूद हैं। ये खाना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक फ्रेश और पैक तरीके से हमें दिया गया है। इसके साथ ज़रूरी लवाजमात जैसे रायता सलाद वगैरह भी दिया गया है, और इनकी सर्विंग भी किसी मयारी होटल से कम नहीं। इतना लजीज खाना देख कर कहाँ सब्र होता है, लिहाजा हमारे लोग फौरन ही खाने पर पिल पड़े। क्यों जी, कैसा खाना है? टेस्टी है। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं सर सैयद एक्सप्रेस के डाइनिंग कार में, और जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी थीम के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे खाना खाया, यानी हमने डिनर किया, बहुत ही मज़े का डिनर था। तो एक कंप्लीट कोर्स, और इस वक्त हम ग्रीन टी पी रहे, तो इंतहाई जो है कोऑपरेटिव इनका अमला, और इनका जो खाना है वो भी बहुत डिलीशियस था। ज़रूर सफ़र करें पाकिस्तान रेलवे से, सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल ये सफ़र है।
ट्रेन में हमारी सुबह बहुत शानदार थी। इंतजामिया की तरफ से हमें मॉर्निंग किट्स दी गई, जिसमें हर मुसाफिर के लिए एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, वेट टिश्यूज, लिक्विड सोप, मिनी टॉवल, एक अदद पेन और कंघा भी शामिल हैं। यकीनन ये वो तमाम जरूरी अशिया हैं जिनकी आपको जरूरत होती है सुबह सवेरे फ्रेश होने के लिए। इसी दौरान हमारी ट्रेन मैनेजर जनाब मलिक निसार अहमद से भी मुलाकात हुई। उन्होंने तकरीबन हर बोगी और हर केबिन में जाकर मुसाफरों से उनके सफर और मुहैया करदा सर्विसेज के बारे में राय ली और शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर अजाने की यकीन दहानी करवाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सर सैयद एक्सप्रेस। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हैदराबाद, होपफुली विल बी देयर बाय 9:30। और बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र गुजर रहा है और अब बहुत थोड़ा रह गया। रात बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून से हमने जो है वो अपनी नींदें पूरी की। बहुत कंफर्टेबल हमारा कंपार्टमेंट रहा। इस्लामाबाद से जब से हमने अपना सफ़र शुरू किया, थोड़ी सी सर्दी थी तो यहाँ पे हीटर्स चल रहे थे, और जैसे ही हम सिंध में दाखिल हुए रात तकरीबन 3 बजे, तो थोड़ा सा मौसम में आपको पता है कि जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, तो फिर जो है वो एसीज जो है वो उस पर शिफ्ट हो गए। तो अच्छा जो है वो ट्रैवल रहा हमारा, बड़ा मज़ा आया। अभी सुबह इन्होंने हमें मॉर्निंग किट्स दी जो आपको फ्रेश होने के लिए ज़रूरी होती हैं। नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है, बहुत कंफर्टेबल सफ़र है। ऑल्दो के तकरीबन कोई 20 मिनट्स लेट है ये ट्रेन, इसका जो राइट टाइम है वो 9 बजे हैदराबाद यानी कि 9 AM हैदराबाद पहुंचने का है, लेकिन इतना हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी ट्रेन स्टार्ट में स्लो थी, तो इसलिए इतना मार्जिन जो है ना वो इतने लॉन्ग जर्नी में जो है वो एक्सपेक्टेड है, और वो भी पाकिस्तान रेलवे है, आपको पता है कि जिसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा वर्स्ट है, बट नाउ इट्स गेटिंग बेटर एंड बाय द टाइम बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है वो इन्होंने अपने अंदर की। इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, इनका खाना, इनकी डाइनिंग जैसे हमने आपको दिखाया, और इसके अलावा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, सो एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट एंड दे आर इम्प्रूविंग एवरीथिंग एंड थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे। हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ। ये जर्नी ज़रूर करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। सो ये एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग जर्नी है। हम इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सो हमारा सर सैयद एक्सप्रेस पे ये जो सफ़र है ये हैदराबाद के इस प्लेटफॉर्म पे एंड हुआ। बहुत मज़े का सफ़र था, हमें बहुत मज़ा आया, और अब आगे हमारा सफ़र जो है वो थरपारकर की तरफ होगा, बेसिकली जिस काम से हम यहाँ पे आए हैं। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।